आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट धीरे धीरे खुल रहा है, मतलब हमारी इकोनॉमी खुल रही है, जिस हिसाब से नए नए व्हीकल लॉन्च होते जा रहे हैं, तो ग्रोथ हो रही है धीरे धीरे, भले ही धीरे हो रही है मगर हो रही है। तो अब बहुत से लोग सोच रहे हैं ओला टीवीएस बजाज ये तो भैया पुराने हो गए, अब नए नए कौन कौन से आ रहे हैं इलेक्ट्रिक, वो देखने वाली बात है। तो अगर आप लोग भी ये सोचते हो कि कौन कौन से आने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर जिनका आप लोग इन फ्यूचर खरीद सकते हो 2022 के बाद या 2022 में ही, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे स्कूटर बताऊंगा जो आने वाले हैं इंडियन मार्केट के अंदर रिसेंटली। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको आने में, क्योंकि कंपनी पूरी प्लानिंग कर चुकी है लाने की। इसके अंदर होंडा एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन भी मौजूद है और बहुत सारी कंपनी के हैं जो काफ़ी समय से बात चल रही है। तो अगर आप लोग जानना है तो ये वीडियो पूरी एंड से देना, कहीं स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर 5 बताऊंगा 5। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है होंडा एक्टिवा का इलेक्ट्रिक वर्जन। कंपनी इसको जल्दी इंडियन मार्केट में उतारने वाली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग होंडा मोटरसाइकिल के अध्यक्ष अतुष ओगाटा ने इंडिया के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करने की जो पुष्टि है, जो कन्फर्मेशन है, वो कर दी है। वहीं होंडा बेंटली ई को हाल ही के अंदर ARAI की फैसिलिटी के अंदर टेस्टिंग में देखा भी गया है, जिसके अंदर बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी देखी गई है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट का कहना है होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर अगले साल यानी कि 2023 में इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो जो अगला स्कूटर है वही यामा न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर। यामा ने यूरोपियन मार्केट के अंदर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है, और खबर ये भी है कि यामा मोटर इंडिया जल्दी न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकती है, जिसे इंडियन डीलर के सामने शोकेस कर चुकी है कंपनी पहले ही, जैसे कि आप लोगों को पता है। हालांकि कंपनी जो शोकेस किया है उसमें ये नहीं बताया है कि कब लॉन्च करेगी, मगर करेगी लॉन्च, कन्फर्म ये है। अगर बात करें इस स्कूटर की, तो इसके अंदर हब माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है, जो कि शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और इसके अंदर स्पीड भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और इसके अंदर आपको स्वैपेबल लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है। तो जो अगला स्कूटर है वह है वेस्पा का इलेक्ट्रिक स्कूटर। आपको जानकर खुशी होगी कुछ समय पहले पियाजो ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी, और उसने कहा था कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस के अंदर एंट्री करने वाली है। फिलहाल पियाजो इंडिया के अंदर 3 व्हीलर बनाती है, हालांकि वेस्पा और अप्रीलिया ब्रांड देश के अंदर 2 व्हीलर व्हीकल्स बनाते हैं। कंपनी ने एक मीडिया वेबसाइट को बताया था कि ये वेस्पा ब्रांड के अंदर इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करना चाहता है। प्रेजेंट के अंदर वेस्पा यूरोप के मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उम्मीद की जा रही है कि वेस्पा का इलेक्ट्रिक वर्जन 2023 के एंड में आ सकता है, जिससे वेस्पा ब्रांड इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगा। तो जो अगला स्कूटर है वह है LML का इलेक्ट्रिक स्कूटर। LML आपको याद है ना, बजाज से पहले आते थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्कूटर होते थे। अब उसका ही इलेक्ट्रिक वर्जन आने वाला है, कंपनी कन्फर्म कर चुकी है कि सितंबर के आसपास लॉन्च करेगी। LML कंपनी ने अपनी नई यूनिट LML इलेक्ट्रिक की स्टार्टिंग कर दी है, और अब इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है इसकी एंट्री के बाद। अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के लिए कंपनी ने 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सीरिया इलेक्ट्रिक ऑटो के साथ पार्टनरशिप किया है। इस पार्टनरशिप के अंदर हरियाणा के प्लांट के अंदर LML अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर का मैन्युफैक्चरिंग करेगी। वहीं आने वाले समय के अंदर पूरी तरह से मेड इन इंडिया LML इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में उतारेगी। ये मैं आपको बता दूं, सीरिया इलेक्ट्रिक ऑटो वर्ल्ड फेमस हार्ली डेविडसन के लिए गाड़ी बना चुकी है। LML कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग और स्ट्रेटेजी का काम शुरू कर दिया है, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर कंपनी अपने पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी डिटेल शेयर करेगी। तो जो अगला स्कूटर है जो आने वाला है वह हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर। हीरो मोटर कब जल्दी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने वाली, जैसे कि आप लोगों को पता है। हालांकि कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिटेल ऑफिशियल आउट नहीं की है, लेकिन कंपनी ने हाल ही में अपने आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड से पर्दा उठाया, जो कि है विडा। कंपनी ने इसकी पहली झलक पहले शेयर कर दी है, और जो कि काफ़ी नई ब्रांडिंग है। हीरो मोटोकॉर्प का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, कंपनी ने ये अभी डिटेल निकाली है कि वो अभी जुलाई में लॉन्च न करके फेस्टिवल सीजन में लॉन्च करेगी, जैसे कि कंपनी ने कहा है। अभी वो इसकी टेस्टिंग कर रही है ताकि इसके स्कूटर में आग न लगे। तो इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाले हैं, बहुत सारे होने वाले हैं, और बहुत सारे हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग मेरे को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, डेली मैं कोई ना कोई नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको बताता हूँ कि भाई ये लॉन्च हो गया या इसके अंदर ये मिल रहा है, मैं सबके बारे में बताता हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया 5 ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो मार्केट के अंदर आने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी कोई नया लेने की प्लानिंग कर रहे थे तो आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि कुछ स्कूटर तो फेस्टिवल सीजन के पास आने वाले हैं। तो फेस्टिवल सीजन पे तो भैया ऑफर अच्छे मिलते हैं, तो डिस्काउंट काफ़ी तगड़ा मिल जाता है, तो उस पर काफ़ी बचत हो जाती है। तो उसके बाद खरीदने के बाद आपको सब्सिडी मिलती है, और सब्सिडी के बाद आपको पेट्रोल के पैसे बच जाता है, तो कई जगह से आपके पैसे बचेंगे। अगर आप लोग लेना है तो, या लेने की प्लानिंग करें तो थोड़ा वेट कर लेना, मेरा यही रिकमेंडेशन है। बाकी अगर आप लोगों को अर्जेंसी में चाहिए तो आप लोग कोई भी ले सकते हो, वरना आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कि किस बजट के अंदर में आपको चाहिए और किस रेंज में चाहिए, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा स्कूटर आपके लिए अवेलेबल है, जिस पर सब्सिडी भी अवेलेबल है, और कौन से स्टेट में, मैं सब जगह बता सकता हूँ।
बाकी अगर आप लोगों को बाइस कार्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टली वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, और अगर चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पर फॉलो बटन फ्री है, अगर फॉलो कर लोगे तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो हमें यहाँ नहीं डालता, वहाँ डालता तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, और अपनी फैमिली बड़ी होती रहेगी। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे मेटी लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।